नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे जया एकादशी के विषय में कि जया एकादशी का व्रत करके आपका हर कार्य कैसे जय यानी कि सफलता की ओर जा सकता है, कैसे इस एकादशी पर भगवान श्री हरि के साथ साथ देवी महालक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगी, आपके साथ उपाय साझा करेंगे, चर्चा करेंगे दैनिक राशि फल की, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा रंग आपके लिए सर्वोत्तम होगा ये भी आपको बताएंगे, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। जो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन जो लोग प्रश्न भेजते हैं उनके प्रश्न का आज जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ही सफलता का अचूक महा उपाय आज बहुत खास है और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके कार्य को सफल करेगी। तो शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम श्रीम नमः, यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके रुके हुए धन की प्राप्ति आपको हो जाती है। इस मंत्र को जब आप महसूस करें कि आपका धन कहीं व्यापार में, नौकरी में, रिश्तेदार के पास कहीं फंस गया है और वह व्यक्ति लौटा नहीं पा रहा, तो इस मंत्र को आप जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 1 फरवरी 2023, दिन बुधवार, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र होगा मृक्षरा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे, राहु काल का समय आप नोट कर लीजिए दोपहर 12 से 1:30 के मध्य, इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशा शूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं जया एकादशी की महिमा क्या है, क्या महत्व है और कौन कौन से फायदे इस व्रत को करने से होते हैं वो भी आपको बताएंगे। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया एकादशी सभी पापों को हरने वाली और उत्तम कही गई है। यह एकादशी व्यक्ति के सभी पापों का नाश करती है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करने से मनुष्यों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। जया एकादशी पर कुंडली के कमजोर चंद्रमा को भी व्रत करके ठीक किया जा सकता है और व्रत विधान करके, पूजा पाठ करके ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। जीवन में हर कार्य में विजय के लिए आपको जया एकादशी का व्रत विधान जरूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जया एकादशी पर कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। जया एकादशी पर सूर्य उदय होने से पहले उठें, स्नान करें, घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। एकादशी की पूजा पाठ में जब भी आप पूजा करने बैठें तो साफ सुथरे कपड़े पहने, विशेष तौर पर हल्के पीले या नारंगी वस्त्र पहने तो आपके लिए बेहतर है। जया एकादशी का व्रत विधान जब आप करें तो परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें, एक दूसरे को टीज ना करें, कटाक्ष ना करें, एक दूसरे पर श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। मित्रों, कैसे करना है व्रत विधान आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए मेष वृष मिथुन का दैनिक राशि। मेष राशि, वाहन की प्राप्ति होगी, व्यापार में निवेश बहुत सोच कर करें, कन्याओं को हलवा खिलाएं, लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाएं, शुभ रंग होगा नारंगी। वृषभ राशि, व्यापार में निवेश से लाभ होगा, रिश्तों में सावधानी जरूर बरतें, नया व्यापार शुरू होगा, सफेद खिलौना किसी कन्या को दें, शुभ रंग होगा सफेद। मिथुन राशि, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में खुशी जरूर आएगी, अपने पिता का रेस्पेक्ट करें, देवी मंदिर में चुनरी अर्पित करें, शुभ रंग होगा हरा। मित्रों, अब कैसे करना है जया एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन ताकि नव ग्रहों का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए, सारी ग्रहों की पीड़ा हो जाए एकदम से शांत, कैसे ये होगा आइए जानते हैं। देखिए,
वैसे तो जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना उससे एक दिन पहले यानी कि ठीक दशमी तिथि की रात्रि से व्रत नियम को लेकर शुरू हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें तो आपके लिए अच्छा है, अन्न नहीं खाना है। रात्रि में दूध का या फल का सेवन आप कर सकते हैं। रात में हो सके तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमो नारायणाय। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं, अपने स्नान के जल में दो बूंद गंगा जल मिलाकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने तैयार हो जाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब अपने घर की पूर्व दिशा में एक पटरे पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की फोटो को स्थापित करें। उनके समक्ष आप धूप दीप जलाइए, एक मिट्टी का कलश जल भरकर कलश स्थापित करिए। भगवान विष्णु को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ सामग्री आपको अर्पित करनी है। यदि आप सक्षम हैं तो ये सामग्री आप जरूर अर्पित करिएगा, जैसे वस्त्र, पीले फल, पीले फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग और आंवला। ये सारी सामग्री आप भगवान श्री हरि को अर्पित करें। अब स्वयं भी आपको पीले आसन पर बैठना होगा। अपने दाएं हाथ में, अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए। अपने मन की इच्छा पूरा करने के लिए आप एक संकल्प करेंगे, कामना करेंगे और अपनी कुंडली के पीड़ित ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना आप भगवान विष्णु से करें और यह संकल्प लें और यह जल अपने आसन के दाईं ओर आप गिरा दीजिए। जब आप पूजा अर्चना करें तो पूरा दिन निराहार रहना है। जया एकादशी की व्रत कथा आपको सुननी है और सिर्फ फलाहार करना है, अन्न का सेवन नहीं करना यदि आप बीमार नहीं है तो। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाइएगा। सारा दिन निराहार रहिए, उनके मंत्र का जाप करते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब आपको बताते हैं कि जया एकादशी पर कैसे धारण करनी है तुलसी की माला। आपने बहुत लोगों को पहने देखा होगा। इसके कुछ व्रत नियम और संयम आपको बरतने होते हैं। इससे होगा क्या फायदा? देखिए, रोग दोष शोक कलह कलेश और पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं यदि आप विधिवत सही विधान से इसको धारण कर दें। देखिए, ज्योतिष के अनुसार तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु दोनों बलवान हो जाते हैं, कुंडली में चाहे दोनों की स्थिति कैसी भी हो। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और बुरी नजर यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होता और मन शांत रहता है। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे आप गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दीप दिखाएं और तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी है। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज लहसुन मांस मदिरा मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये इसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं, यदि आप अपनाएंगे तो बेहतर होगा। जया एकादशी पर कैसे करना है महा उपाय जिससे आपको मनचाह वरदान मिल जाए, कैसे होगा यह संभव, आइए जानते हैं। देखिए, 5 सफेद जनेऊ आप केसर से रंगें और 5 की संख्या में पीले फल आप ले लें। अब तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें। जाप के बाद 5 जनेऊ भगवान विष्णु को अर्पित करें, 5 पीले फल भगवान विष्णु को अर्पित करें, उनके मंदिर पहुंच जाएं, अपने मन की कामना बोलें और उनके सामने बैठकर थोड़ा सा ध्यान आपको अवश्य करना होगा। प्रसाद के रूप में अर्पण किए गए फलों में से 1 फल आप घर आते समय वापस ले आएं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। मात्र इतना सा करके देखिए, आप फायदा स्वयं महसूस करेंगे। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में कोई बदलाव ना करें, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, माता की सेहत पर ध्यान दें, देवी पार्वती को थोड़े से गुलाब के फूल अर्पित करें, शुभ रंग होगा गुलाब। सिंह राशि, शाम तक कोई ना कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। अपने आभूषण ज्वेलरी संभाल कर रखें, मन में उदासी ना आने दें, देवी दुर्गा को पीले फूल चढ़ाएं, शुभ रंग होगा पीला।
कन्या राशि, अचानक चोट लगने से बचेंगे, जीवन साथी का सम्मान करें, आज कोई यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर है, छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं, शुभ रंग होगा मरून। मित्रों, ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग अपना प्रश्न साझा करते हैं, तो आप भी इस हेल्पलाइन नंबर को नोट करिए, 9643333444।